पंचायत के 20 साल मुकम्मल होने पर आज मनाए जा रहे जश्न हिंदुस्तान के तहत शहर में जिन लोगों ने सहाफत, अदब और तालीम में नुमाया खिदमत अंजाम दी है, ऐसे 20 मुंतखब अफराद को निशान हिंदुस्तान एवार्ड से नवाजने के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। और हिंदुस्तान की जो जश्न हमेशा से हम मनाते आए हैं, गुज़िश्ता 20 सालों से ये जश्न मुनक़िद होता रहा, उसी के साथ आज हमने एक मज़ीद इजाफा ये किया है कि बजाय गज़ल और कव्वाली के महफिल के, मुकामी जो हमारे मुस्तनद और मोतबर शोराए कराम हैं उनको मदो किया है कि वो अपने कलाम से हमें और अदब नवाज अफराद को महजूज करें। इसका जब शुरुआत हुई हिंदुस्तान की, तो मुझे खुशकिस्मती मेरी ये है कि मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त और रहनुमा जिन्होंने मुझे कलम पकड़कर लिखना सिखाया, सरफराज आरजू साहब की पूरी तरह से हमें सरपरस्ती हासिल रही। और बम्बई से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है मेरा, सहाफती सफ़र, वो उन्हीं की जो तरबियत है और उन्हीं की जो रहनुमाई है उसमें जारी है। आज खुशकिस्मती है हमारी ये कि सरफराज आरजू साहब हज़्ब रिवायत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। कल रात बम्बई में इतनी बारिश थी कि तकरीबन 8 घंटे वो ट्रेन के इंतज़ार में रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे, और उसके बाद जब ट्रेन शुरू हुई तो उससे वो यहाँ पहुँचे। इस मोहब्बत की हम जितनी कदर करें वो कम है, क्योंकि ये सरपरस्ती उनकी हमारी है, मोहब्बत है जो उन्हें यहाँ खींच लाती है। वरना आजकल गुज़िश्ता 10 साल से मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ कि न सिर्फ बम्बई बल्कि मुल्कगीर सतह पर उन्हें जाना आना पड़ रहा है। अदब की खिदमत के लिए, सहाफत की खिदमत के लिए वो हमेशा सरगर्म रहते हैं, साथ ही साथ बम्बई की समाजी और मिल्ली तंजीमों की सरगर्मियों में भी फ़ाल किरदार अदा करते हैं। उसी के साथ जश्न हिंदुस्तान, जैसा मैंने अर्ज़ किया पहले कि यहाँ पर हम लोग इसको बम्बई से, हैदराबाद से, लखनऊ से, दिल्ली से, मुल्क के तमाम गोशों से बेहतरीन फनकार को बुलाकर यहाँ पर कव्वाली और गज़ल का प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से इस प्रोग्राम को मुलतवी रखा गया था। पहला 2020 में खालिद अहमद साहब की कोशिशों से ही जश्न हिंदुस्तान ऑनलाइन मनाया गया था। पहली बार पूरी दुनिया ने इसको लाइव फेसबुक और दूसरे ज़राए अबलाग जो सोशल मीडिया के हैं उस पर देखा, और पूरी तरह से उस जश्न में किसी तरह की कमी महसूस नहीं हुई कि वो कोई लाइव प्रोग्राम नहीं देख रहे, सामने बैठकर नहीं देख रहे। उसके बाद 21 में कोरोना का लॉकडाउन था, तो बिल्कुल प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद करना क्या सोचना भी दुश्वार था। शहर के और मुल्क के हालात इस कदर बिगड़े हुए थे कि कोई तकरीब की इनेकाद की इजाज़त ही नहीं थी, तो इसलिए वो प्रोग्राम नहीं हुआ। और 21 में लॉकडाउन थोड़ा सी खुलने के आसार थे, लेकिन दोबारा जब लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद हमने इसको महदूद पैमाने पर इसी हॉल में मुनक़िद किया था। और उसमें जिन लोगों ने, जो शहर की एनजीओज़ हैं जिन्होंने कोरोना के पीरियड में नुमाया खिदमत अंजाम दी थी,
और मुतहरिक रहते हुए अपने फराइज़ की अंजामदही की थी, उनको बुलाकर उनका इस्तकबाल किया था। एनजीओस के जिम्मेदारान हर समाज के, चाहे वो किसी समाज का हो, लेकिन इंसानियत के नाते हम लोग हर एक से जुड़े हुए हैं, और उसका सबूत वो तकरीब थी जिसमें तमाम कोरोना के जो लोगों ने काम किए थे, कौम की खिदमत की थी, समाज की मदद की थी, चाहे जिस अंदाज में वो कर सकते थे उन्होंने किया था, तो उनको यहाँ बुलाकर उनकी इज्जत अफजाई की गई थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि 20वीं सालगिरह है और हालात बहुत बेहतर हैं, और हमने इस बार इस सोचा कि कुछ छोटे पैमाने पर क्यों ना सही, लेकिन अपनी रिवायत को सालगिरह की बरकरार रखते हुए खालिद अहमद साहब ने इस मुशायरे की ज़िम्मेदारी कबूल की और आज ये तकरीब आपके सामने है। इस दौरान हमारी कोशिश यही रही कि चाहे हालात कितने संगीन रहे हों, लेकिन पूरे 20 साल में बग़ैर किसी, यानी जो हमारी सरकारी छुट्टियां होती हैं या ईद और इस तरह की जो दिवाली वगैरह की जो तातीलात होती हैं, उसके अलावा अखबार कभी बंद नहीं रखा गया। हर मुमकिन कोशिश करके अखबार को चलाया गया, निकाला गया, चाहे कितने भी संगीन हालात हो, कोरोना में चाहे पुलिस के डंडे खाने पड़े हों, या कई मर्तबा हुज्जत बहस का मामला भी रोडों पर हुआ है हमारे स्टाफ के साथ, हमारे लोगों के साथ, लेकिन अखबार की इशात में कोई रुकावट नहीं आई। और अगर बीच में कुछ सरकार की वजह से बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो ऑनलाइन तरीके से हमने अखबार को निकाला और लोगों तक पहुंचाया। ये उस दौर से हम लोग करते चले आ रहे हैं जब हमारे बानी मरहूम ग़ुलाम अहमद ख़ान आरजू साहब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अखबार में तहरीर लिखा करते थे, और जब अखबार पर बैंड लगा था, पाबंदी लगा दी गई थी, उन्हें जेल में, एरोडा जेल में डाल दिया गया था, तो वहाँ से आने के बाद भी और उससे पहले भी उन्होंने साइक्लो स्टाइल पर पेपर को छापा और उसको तकसीम किया, अपने हाथ से तकसीम किया, लेकिन अखबार बंद नहीं हुआ। ये हमारे बानी की एक रिवायत है जिसको सरफराज आरजू साहब ने भी बरकरार रखा बम्बई में। बहुत दुश्वारियाँ आई, बम्बई के भी हालात मेरे सामने के हैं, हमने एक साथ, भले हमारी उम्रों में फ़र्क है, मेरे बड़े भाई के क्लासमेट हैं सरफराज भाई, लेकिन ख़ानदानी मरासिम इस तरह से हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ बचपन से वाबस्ता रहे हैं। तो वहाँ भी हमने देखा कि सरफराज भाई ने हर मुमकिन कोशिश की और अखबार को ज़िंदा रखा, बरकरार रखा, चलाया, हम लोगों से जो भी हो सका हम साथ दिए उनका, लेकिन असल हमारे कप्तान तो वही थे कि जिनके पीछे हम पूरी मेहनत करते थे। और ये अखबार इस तरह से, बम्बई का जो हमारा एडिशन है वो आज 86 साल मुकम्मल कर चुका है। उर्दू सहाफत की तारीख में अगर हम नज़र डालें तो 200 साल उर्दू सहाफत के हुए हैं, उसमें से 86 साल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोज़नामा हिंदुस्तान बम्बई, और उसके बाद उसका 10वां हिस्सा औरंगाबाद एडिशन हिंदुस्तान का 20 साल आज आपके सामने है। इस तरह से ये सहाफ़ती सफ़र जारी है। इसमें इस शहर में जब मैं बम्बई से आया आज से तकरीबन 24-25 साल पहले, तो हमने ये अज़्म किया कि बजाय इसको वहाँ से छाप के भेजने के, यहीं से इसको प्रिंट किया जाए और यहीं से बाकायदा इसकी इशात की जाए और इसकी तरसील की जाए। तो पूरे मराठवाड़ा में इसका नेटवर्क फैलाया गया और आज ये अखबार अपनी 20वीं सालगिरह मना रहा है। आप तमाम लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, हर एक का इस अखबार के इस्तेहकाम में बहुत बड़ा ताउन है।
बहुत बड़ा हिस्सा है और आपकी सरपरस्ती हमारे साथ हमेशा रही है। मुझे इब्तदाई दिन भी याद आते हैं और बीच के अय्याम भी याद आते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी सामने लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब मेरे हमदर्द, सरपरस्त और दुख दर्द के साथी हैं। आप तमाम का इस तकरीब में इस्तकबाल है। मैं सरफराज आरजू साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आ जाएं और ताकि इस प्रोग्राम को हम बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ा सकें। इसमें ख़ास तौर पर मेरे साथ एक खुशकिस्मती ये रही कि हमारी पूरी फैमिली, मेरी अहलिया नूरुन्निसा, मेरा बेटा इरबास, हम लोगों ने शुरू से इस अखबार को संभाला और एक एक आदमी ने अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर काम किया। तकरीबन आज भी दो दो तीन तीन लोगों का काम हम लोग करते हैं। जो लोग इस पेशे से वाबस्ता हैं या सहाफत को जानते हैं, रोज एक नई जंग लड़ना पड़ती है, रोज एक नया मसला सामने आता है और रोज नए हालात के मुकाबला आरई करते हुए अखबार को चलाना पड़ता है, जारी रखना पड़ता है। उस पर गम बालाए अलम ये कि सरकारी सतह से और अवामी सतह से भी कम ताउन मयस्सर होने के बावजूद इसकी जो रूटीन है उसको बरकरार रखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़े भाई, जिनसे मैं कम से कम आरजू भाई 25 साल हो गए, तो आरजू भाई हमारे बीच में है, उनकी हमेशा हमारे सिर पे हाथ रहा और हमको हमेशा वो साथ देते रहे। क्योंकि आवाम का यदि कोई भी काम करना है तो जब तक पेपर का दिली तौर पे साथ ना हो तो हम उसको अंजाम नहीं दे सकते। इसी तरह से हमारे भाई नायब अंसारी साहब, उनकी मिसिस, उनके बच्चे, ये हमारा ऐसा अटूट रिश्ता रहा और बेलोज रहा। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं जो रोज़नामा हिंदुस्तान का औरंगाबाद का अंक है उसका आज 20वीं जो सालगिरह है उसका बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आरजू साहब ने 86 साल अभी बताया कि हिंदुस्तान बम्बई को 86 साल हो गए, ये भी एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड की बात है। इस तरह से पेपर को आज की स्थिति के अंदर चलाना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल बात है। हमारे बुजुर्गों ने हमको दो तीन बातें ही सिखाई थी। एक तो ये है कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, उल्टी हवाएं हो, उल्टा माहौल हो, उसके अंदर जो रास्ता निकाल के ले जाता है वही असली मर्द है, वही असली इंसान है। तकलीफें आती रहती हैं। आज जिस तरह का माहौल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें हमारे गुरु महाराज ने पहले ही बोल दिया था कि उसमें चलो, अव्वल अल्लाह नूर उपाए, कुदरत के सब बंदे एक नूर से जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये पूरी एक नूर से दुनिया जो है उपजी है, अल्लाह एक है, उसको किसी रूप में भी आप समझ लीजिए, कोई
कुछ कोई कुछ उसका नाम देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन अल्लाह एक ही है। उसको सबने हमारे जो गुरबानी है, हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब है, उसके अंदर में कितनी बार उसका उल्लेख है। जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव किसने रखी? मियां मीर ने रखी। ये क्योंकि क्या है, इस तरह का इत्तेफाक था कि हम लोग पेशावर के रहने वाले, तो वहां पे लोगों ने जब मस्जिद में जाना नमाज पढ़नी और दुआ पढ़नी, तो दुआ में क्या बोलना, या खुदा खर्च बढ़ा, या खुदा खर्च बढ़ा। तो हमारे जो हिंदू लोग थे वो बोलते थे कि भाई हमारा कोई आदमी लॉटरी मांगता है, कोई मकान मांगता है, कोई औलाद मांगता है, कोई शादी मांगता है, कोई कुछ मांगता है, आप भी ऐसा क्यों बोलते हैं? तो उस टाइम में हिम्मत नहीं होती थी बुजुर्गों से पूछने की कि भाई ऐसी बात क्यों है। तो जब एक बार हुआ, दोबारा हुआ, तिबारा हुआ, तो हमारे वालिद थे, वालिद के वालिद थे, उन्होंने उनसे पूछा कि चचा आप जो ये बात बोलते हो वाकई आप खर्चा बड़ा ऐसी बात बोलते हो? बोलते हाँ मैं यही बोलता हूँ। तो बोलते हैं कि भाई देखो बेटा तुम्हारे को खर्चे के लिए कितने पैसे मिलते हैं? तो बोलते एक आना, वो भी बड़े बड़े राय बहादुर के बच्चों को एक आना मिला करता था। तो बोले बेटा तुम्हारा खर्चा कितना होता है? बोले कभी एक आना होता है, कभी वो भी नहीं होता है। तो बोले फर्ज करो तुम सुबह घर से निकलो और जो है एक आने की जगह तुमने एक आना दूसरे से उधार लिया और दो आना खर्चा किया, तो जब दूसरे दिन निकलोगे घर से तो आप तीन आने की फिराक में रहेंगे। तो जैसे जैसे तुम्हारे अखराजात बढ़ते हैं उसी तरह से तुम्हारे आमदनी के रास्ते खुदा अपने आप मुहैया कराता। आप अकीदा रखो, अकीदा यदि आपका मजबूत है तो खुदा आपकी हर उस शय को मंजूर करेगा, उसको देगा, आपको फराम करेगा। ये अपना हम लोग क्या होता है कि इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगता है, अपने आप को बड़ा पैसे वाला कोई बाजू वाला समझने लगता है, उस वजह से ये दिक्कत आती है। यदि ये समझ ली जाए खुदा बड़ा है और खुदा से कोई बड़ा नहीं है, तो वो सबसे बड़ा वो ये समझ लेगा कि वाकई जो है उसकी रहमत के ऊपर हमको रहना है। वो हर जो कर रहा है एक कदम आगे जा रहा है तो भी उसके हुक्म से, जो नहीं हम कुछ गलती कर पा रहे हैं तो वो भी हो रहा है, लेकिन हमने अपना अकीदा मजबूत रखना चाहिए। दुख सुख आते रहते हैं, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज भी जो माहौल बन रहा है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि रात के बाद सवेरा लाजमी है और सुबह के बाद रात भी होनी है। रात जो है मखमल के गद्दे में भी कट जाती है, रात बारदाने के अंदर भी कट जाती है सो के। इसलिए हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो, खुदा तुम्हारा साथ देगा। अव्वल अल्लाह नूर पाए, आपको मैंने बताया। इसी तरह से आदमी ने बोला गया है कि भाई खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो आज मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपको इतना बता सकता हूँ कि मैंने माइनॉरिटी का सब्जेक्ट के ऊपर और टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर काम किया। आज औरंगाबाद के ऊपर आपको शायद नहीं मालूम है, पहला एसटीडीपीसीओ जो आया औरंगाबाद में मैंने लाया। पहली जो टेलीफोन की एक्सचेंज आई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, हम लोग उसकी हिस्ट्री आज यहाँ बताने का टाइम नहीं है, लेकिन वो भी हमने लाया। उसके बाद पेजर लाए, उसके बाद मोबाइल जो पहला आया औरंगाबाद का AT&T मैंने लाया। हमने कोई, हम कोई खासदार आमदार नहीं थे जिसकी वजह से हमारे को बहुत बड़ा कोई नाम मिल जाता, लेकिन हमको खुदा ने इतना इकबाल दिया, इतनी इज्जत दी कि हम लोगों के दिलों में रह के हमने काम किए करने की हमारे को जो है हिम्मत बनी। आज मैं ये समझना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी का जो काम है उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है, और हम लोग हिंदुस्तान के अखबार को जो जिस डिफ़िकल्टी के साथ में उन्होंने इसको आज तक अंजाम किया है, आगे भी हम लोग सब उनके साथ में हैं। ये बोलते हुए मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूं और मैं अंसारी साहब का यहाँ थोड़ा सत्कार करना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं, चलिए
हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो मुहिब्बीन हैं वो तमाम तशरीफ़ ला रहे हैं, आस्ते आस्ते और भी इजाफा होगा उसमें। लेकिन शहर के साबिक मेयर रशीद मामू साहब मुझे दूर से दिखाई दे रहे हैं, आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। साथ ही हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर साबिक कॉरपोरेटर अफसर खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी इल्तिमास है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। मैं अफसर खान साहब का ममनून हूं कि आज वो वक्त निकाल कर हमारे पास आए, और ये हमारी दोस्ती और मोहब्बत जो है वो उस वक्त से कायम है कि जब से ये अखबार शुरू हुआ, इनके बड़े भाई सलीम मौला साहब हर हिंदुस्तान के जश्न में मौजूद रहे और बढ़ चढ़ के हमारे साथ उसको सेलिब्रेट किया करते थे। अफसर साहब अगर कहीं मसरूफियत रही तो अलग बात है, वरना हमेशा कम से कम मिल के तो भी चले जाते थे। मैं अफसर भाई से गुजारिश करूंगा कि वो दो मिनट में अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। हिंदुस्तान दिल्ली की 20वीं सालगिरह पे आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अंसारी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस हिंदुस्तान पेपर मतलब किस घटनाओं से किस परिस्थितियों में उन्होंने चलाया, और उनके लड़के इरबाज अंसारी और हमारे बाजी ये इतनी मेहनत करते हैं और सच्चाई को सामने रखने की बात हमेशा अंसारी साहब करते हैं और सच्चाई को सामने रखते हैं, चाहे वो किसी का भी मसला हो, बड़ा लीडर हो छोटा लीडर हो, उन्होंने हमेशा बेबागी से लिखा है। तो मैं उनको अपनी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ, और इसमें आए हुए हमारे माजी महापौर रशीद मामू साहब, अंसारी साहब, बॉम्बे से आए हुए हमारे भाई और तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, और एक बार अंसारी साहब का सत्कार करता हूँ और बाजी का भी और इरबाज का भी। साबिक मेयर रशीद मामू साहब हमारे दरमियान हैं, शहर के लिए ये फख्र की बात है कि पहला मुस्लिम मेयर होने का उन्हें एजाज हासिल है। मैं उनसे इल्तिमास करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आज हिंदुस्तान पेपर की सालगिरह में आए हुए फराज साहब, अंसारी साहब, हमारे महाराज ढिल्लन साहब, हमारे अपोजिशन लीडर मेरे छोटे भाई अफसर खान साहब और तमाम चाहने वाले नवाब पटेल वकील साहब भी बैठे हुए, खालिद अंसारी साहब, सबके नाम ना लेते हुए बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम। 20 साल पहले भी मैं इसमें था और मेरी एक आदत है, वो इकबाल भाई से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, कार्ड आओ मत आओ मैं बार प्रोग्राम में शरीक होता हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और साथ ही साथ मुझे एक फख्र भी है कि वो करोड़पति है। करोड़पति इसलिए कि उनकी एक औलाद है, बड़ी नेक औलाद है, जिसकी औलाद अच्छी हो करोड़पति, दौलत की ज़रूरत नहीं है, औलाद अगर अच्छी हो तो करोड़पति है। तो उनकी औलाद बड़े हिसाब से, नहीं तो कई टाइम हमने देखे प्रेस में अगर कभी किसी का बच्चा रहे तो हालात कुछ और होते हैं, लेकिन मैं देखा हूँ कई साल से कोई उनको इश्तहार दो मत दो, जो भी न्यूज़ है वो बिल्कुल सही पहुँचाता, कभी भी कोई कोताही नहीं होती है। और ये मिलकर के जो चला रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि मियां बीवी दोनों साथ में, और कितने तरीके 20 साल से एक जगह, बिल्कुल कभी गुस्सा नहीं, झगड़ा नहीं, किस तरीके से चलाए, मैं उसके भी बड़ा मुबारकबाद देता हूँ। नहीं तो बहुत बड़ी बात है, अपन आजकल बड़ा सुनते हंसते हैं कि भाई कम से कम हालात ये होते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे को भी जो तालीम दे करके आका है और सबको साथ ले कर चलना, और आप आए बॉम्बे से हिंदुस्तान के लिए से, तो मुझे सरफराज साहब
तो बड़ा अच्छा लगा है कि भाई कमल सर साहब आए तो ये मालूम हुआ कि आप हमारे इकबाल साहब से कितनी मोहब्बत, ये शुरू बॉम्बे से करते आए, लेकिन शहर में जब भी कोई न्यूज़ की चीज़ हो तो बेबागी से उन्हों आवाज़ उठाते हैं और साथ देते हैं, और क्यों ना हो, ये देख करके बड़ी खुशी होती है कि कम अज़ कम बात नहीं। तो आजकल ऐसा था, अखबार की हर सत्र में ऐसा जहर भरा हुआ था कि सुबह की चाय भी मुझे कड़वी लगने लगी। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि अखबार में कुछ चीज़ें आजकल कुछ ही हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ इंसान ऐसे हो जाते हैं कि जो अच्छी चीज़ें बताना चाहते हैं। तो आजकल मीडिया, तो आप जानते हैं कि मीडिया के क्या बारे में चौड़ा है, हालात मीडिया के बारे में क्या है, उसमें से रहना, उर्दू पेपर चलाना बहुत बड़ी बात है सर। नहीं तो आजकल उर्दू पेपर चलाने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, और हम तो जब खोले तो मैं इकबाल भाई से बोला था, इकबाल भाई आप अखबार चला रहे हैं लेकिन चलेगा क्या, लेकिन मैं वो 20 साल पहले के अल्फाज वापस लेता हूँ कि आपने वाकई चलाए। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई हिम्मत बहुत, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है करना कराना स्टाफ। अभी तो भी ज़रा सहूलत हो रही थी, उस ज़माने में रात में इकबाल भाई भाग रहे कातिब ढूंढते हुए, कातिब गायब, बड़ी मुश्किलें होती थी, जो मुश्किलों से लोग निकले भी। अभी बहुत बड़ी बात है ये कि आज कम अज़ कम शहर के लिए कुछ दिए हैं, और हिंदुस्तान का नाम रख कर के वैसे हिंदुस्तान की चीज़ें तरक्की के लिए भी आगे लेके गए। और ये बात सही है कि मैं पहला महापौर मुस्लिम बना हूँ, लेकिन ये आप लोगों की दुआओं से, अगर दुआई नहीं होती तो मैं होता भी नहीं था, और उसकी मेरी देन है कि अबू कलाम रिसर्च सेंटर मैंने बनाया हूँ। ये ख़ास बात है कि जो आज तक के खालिद साहब जानते हैं लड़के मैंने बनाया, कि एक तारीखी चीज़ है, और इसके अंदर मुग़ल आर्ट बनाए, तो कम अज़ कम शहर के लिए कुछ दिया। ज़करिया साहब मरहूम गुजरे तक के मानते थे कि भाई मामू आपने काम अच्छा औरंगाबाद के अंदर किया, ऐसे कई चीज़ें होती है। लेकिन साथ ही साथ आपने यहाँ मुझे बुलाए, मुझे दो मिनट कहने का मौका दिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हैदराबाद बॉम्बे से आए हुए हमारे सरफराज साहब उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये कहता हूँ आप ऐसी हमारे अंसारी भाई के सर पे हाथ ऐसी हाथ रखा करिए, क्योंकि हम समझेंगे कि आपने हमारे सर पे हाथ रखा। ये कहते अपने दो अल्फाज करता हूँ, अल्लाह तमाम। जो हमारा ये दूसरा एक सेशन है, एजाज़ जैदी साहब शायद मुझे दूर से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और अखबार के साथ इब्तदाई दिनों से वाबस्ता हैं। जो भी हमारे सुख दर्द होते हैं हम साथ में उस रहते हैं, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि यहाँ पर आगे तशरीफ़ ले आएं। और अब गुजारिश है, जो हमने एवार्ड के लिए कुछ साथ में, ये एवार्ड क्या है, हमारी एक इज़्ज़त अफजाई है या हमारी खुशनसीबी है कि हम अपने जो मोहसिनीन हैं उनका हम एहसान तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनकी इज़्ज़त अफजाई कदर ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने जो मौका दिया है तो इसमें से 20वीं सालगिरह पर शहर के 20 लोगों को हमने अवार्ड देने का फ़ैसला किया है, और हो सकता है कि हमारे शहर में तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आइंदा के लिए कुछ लोगों को हमने रखा है, इसलिए कोई ये ना समझे कि हमने उसकी पजीराई नहीं की। आम तौर पर जैसा मैं बात कर रहा था कि अवार्ड फंक्शन ऐसे हुआ करते हैं कि जिसमें कुछ लोगों से ताउन लेकर या उनसे कुछ मफाद वाबस्ता हो तो उनके अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का अवार्ड ये उस वक्त से जारी है जब हमारे बानी ग़ुलाम अहमद ख़ान आरजू साहब ने इसे शुरू किया था। और जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो चूँकि एक मुजाहिद आज़ादी थे, उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह से निशान पाकिस्तान दिया जाता है उस तरह से बम्बई में इस अवार्ड को शुरू किया था, निशान हिंदुस्तान। तो वो अवार्ड का मामला वहाँ से चला, सरफराज भाई ने जितने, चाहे हमारी 25वीं सालगिरह हो 50वीं सालगिरह हो, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, अबू बकर भाई हैं, खालिद अहमद हैं और कई लोग हैं जो उन प्रोग्रामों में रहे, 75 साल प्रोग्राम भी हुआ, उसमें कई मायानाज कायदीन आए थे, तो उसमें भी हमने इस सिलसिले को जारी रखा था। और अब इंशाल्लाह तैयारी है, 86 साल मुकम्मल हो गए हैं,
आइंदा 100 साल प्रोग्राम में फिर उसको हम उस रिवायत को बरकरार रखेंगे और उस इस अवार्ड को वहाँ भी दिया जाएगा। तो मैं चूँकि हमारे बड़े भाई खालिद सैफुद्दीन साहब का हुक्म है कि कुछ लोग सरफराज साहब का इस्तकबाल करना चाह रहे हैं और हमारी सरफराज साहब का इस्तकबाल हुआ तो मेरा हो गया, मैं उनका शागिर्द हूँ। तो मैं इल्तिमास करूँगा हमारे अबू बकर भाई से कि कौन आप ही नाम लें। मौलाना आज़ाद विचार मंच की जानिब से यूसुफ अंसारी साहब और सलीम खान साहब नायब अंसारी साहब का और सरफराज खान आरजू साहब का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगा शहर की मुस्तैद और मुतहरक अदबी अंजुमन वारिसानी हर्फ व क़लम की जानिब से जनाब नूरुल हसनैन साहब, खालिद सैफुद्दीन साहब, डॉक्टर शरफुद्दीन साहब और कामिल साहब से कि वो सरफराज खान आरजू साहब और नायब अंसारी साहब की खिदमत में गुलहाय मोहब्बत पेश फरमाएं। जनाब मुंतजिब चिश्ती साहब भी इस वफ़द में शामिल हैं। जनाब नूरुल हसनैन साहब सरफराज आरजू साहब की गुलपोशी फरमा रहे हैं। पड़ेगांव से डॉक्टर सद्दाम, डॉक्टर अमान और सद्दाम शेख साहब। डॉक्टर अमान साहब और सद्दाम शेख साहब से दरख्वास्त है कि वो अपनी मोहब्बतों का, अकीदतों का नजराना पेश फरमाएं जनाब नायब अंसारी साहब की खिदमत में। डॉक्टर अमान साहब और सद्दाम शेख साहब गुलपोश इस्तकबाल कर रहे हैं जनाब नायब अंसारी साहब का और डॉक्टर अमान शेख साहब नजराने गुल पेश फरमा रहे हैं सरफराज आरजू साहब और नायब अंसारी साहब की खिदमत में। शाहिद साहब, अब जनाब अब्दुल वहीद साहब हमारे शहर की मारूफ शख्सियत साबिक वज़ीर अब्दुल अजीम साहब के बरदर खुर्द जनाब अब्दुल वहीद साहब ने अपनी मोहब्बतों का नजराना नायब अंसारी साहब की खिदमत में पेश किया है। अब्दुल्ला खान साहब मार्कोनी तशरीफ ला रहे हैं और वो भी अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश फरमा रहे हैं। नायब अंसारी साहब की खिदमत में अपना नजराना पेश किया है अब्दुल्ला खान साहब मार्कोनी ने। अब सरफराज खान आरजू साहब की खिदमत में वो अपनी अकीदतों का नजराना पेश फरमा रहे हैं। अब्दुल्ला भाई कैमरे की तरफ देखिए, आप कैमरे की तरफ। अब मैं नवीद हशर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो नायब अंसारी साहब की खिदमत में अपनी अकीदतों का नजराना पेश फरमाएं। जनाब अब्दुल खदीर साहब साबिक एडिटर भास्कर अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर अब्दुल खदीर खान साहब, जी शेख डॉक्टर शेख अब्दुल रहीम साहब, अब्दुल खदीर साहब खान शमीम साहब ने भी मौनिखा किया है सरफराज खान साहब से और नायब अंसारी साहब से। जनाब खाजी साहब, खाजी मोहिउद्दीन तस्नीम साहब और सलीम शेख साहब अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश फरमा रहे हैं। शमीम भाई ज़रा बाजू हो जाइए आप। अजहर अफसर खान साहब अपनी मोहब्बतों का नजराना, अपनी अकीदतों का नजराना नायब अंसारी साहब की खिदमत में पेश फरमा रहे हैं।
सरफराज खान साहब, सरफराज खान आरजू साहब अपनी शफ़क़तों और मोहब्बतों का इजहार करते हुए इरबाज़ अंसारी की खिदमत में गुलहाए मोहब्बत पेश फरमा रहे हैं। और इसी तरह अपनी भाभी, अपनी बहन नूरुन्निसा साहब की खिदमत में भी वो उन्होंने गुलहाए मोहब्बत पेश किया है, गुलहाए शफ़क़त। जी, नज़ीफ़ आरजू की खिदमत में जनाब नायब अंसारी साहब अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश फरमा रहे हैं। नज़ीफ़ साहब, नज़ीफ़ खान साहब सरफराज आरजू साहब के साहबजादे हैं, उनकी खिदमत में नायाब साहब अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश फरमा रहे हैं। और अब मैं आप तमाम की जानिब से सरफराज खान साहब की खिदमत में अपनी अकीदतों का नजराना पेश कर रहा हूँ। चलिए, तमाम जिन लोगों ने हमारी इज़्ज़त अफजाई की, तमाम का शुक्रिया। अब मैं इल्तिमास करता हूँ, जिन लोगों के नाम हमने अवार्ड के लिए मुंतखब किए हैं और वो हमारे इस एजाज़ को कबूल करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, सबसे पहले हमारे सरपरस्त अब्दुल अज़ीम साहब। जब से यह अखबार हमारा शुरू हुआ है तो उन्हें बड़ी मसरत हुआ करती थी। अक्सर मेरा पहले दफ्तर बुड्डी लेन में था तो वो जब कार से गुजरते थे तो अंदर से अखबार ऐसा दिखाते थे मुझे, और उन्होंने अपनी तमाम मुझसे ये कहा था कि मेरी जितनी भी स्कूलें हैं, आज हमें इस बात का फख्र है कि तकरीबन साल में 5 से 7 हज़ार बच्चे इनकी स्कूलों से पढ़कर बाहर निकलते हैं और प्राइमरी से लेकर जूनियर कॉलेज तक, डीएड और बीएड कॉलेज तक की शुरुआत हो चुकी है। टेक्निकल स्कूल भी है, आईटीआई है। इस तरह से इस इदारे ने जो उर्दू की खिदमत अंजाम दी है, हमारे मुस्लिम समाज की खिदमत अंजाम दी है, उसके मुकाबले में हमारा एजाज़ तो बहुत कम है, लेकिन आज उसको कबूल करने के लिए अब्दुल वहीद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, और सरफराज भाई से गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से, हमारे चीफ एडिटर हैं, यहीं देखो, मैं यहीं दे देता, सरफराज भाई दे देंगे। अब्दुल वहीद साहब ने जनरल सेक्रेटरी उर्दू एजुकेशन सोसाइटी की जब से जिम्मेदारियां संभाली हैं तो हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक वहीद साहब इदारे में मौजूद रहते हैं और जो भी मसले मसाइल हैं, तालीमी सरगर्मियां हैं, उसकी खुद निगरानी करते हैं। आम तौर पर इतना बड़ा इदारा किसी एक आदमी के तहत चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस उम्र में भी सुबह से शाम तक, मैं खुद इसका गवाह हूँ कि वहीद साहब वहाँ पर मौजूद रहते हैं और पूरे कामकाज को अपनी निगरानी में चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद साहब, अगर आप अपने तासुरात कुछ पेश करना चाहें तो। इसके बाद हमने नाम रखा था एमएम शेख साहब का, जिनके इस इदारे में, इस शहर में कई स्कूलें हैं और उन्होंने भी जब से ये हिंदुस्तान हमारा यहाँ से शाये हो रहा है और बम्बई से हमारे उनके मरासिम रहे हैं, हमेशा अखबार का साथ दिया है, लेकिन वो, उनका पैगाम मुझ तक पहुँच चुका है कि चूंकि ये सियासी हालात कुछ बिगड़े हुए हैं इसलिए वो बम्बई में हैं, आने के बाद वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जो अंजुमन इशात तालीम के सदर हैं, आज गालिबन वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। इस अखबार की सालगिरह के साथ कई लोगों की सालगिरह हुआ करती है। शहर में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हैं, हो सकता है उन्होंने मुझसे वादा किया है ताखिर से आऊँगा, लेकिन आऊँगा, बाद में आएंगे। प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब,
डॉक्टर रफीक जकरिया कॉलेज के प्रिंसिपल वीमेंस नौखंडा, अगर तशरीफ़ लाए हों तो यहाँ आ जाएं, मेरे ख्याल में वो भी नहीं आ सके। सर सैयद कॉलेज की रूहे रवां तिलावत अली साहब के बाद, जिन्होंने सरगर्मी के साथ उस इदारे की भागदौड़ संभाली है, शमामा परवीन साहिबा, वो आउट ऑफ हैं। अगर सर सैयद कॉलेज से कोई उनका नुमाइंदा हो तो वो आकर अवार्ड ले सकता है। इसी तरह एक इदारा, अभी हाल में हमने उसको देखा कि बहुत तेज़ी के साथ अपनी जगह बनाते हुए वो शहर में आगे बढ़ रहा है, और शहाब अफसर खान साहब ने बैरूनी ममालिक से, गल्फ कंट्रीज से यहाँ जब तशरीफ़ वापस लाए, उनकी जब यहाँ पर वापस आए, तो उसके बाद से विंचेस्टर स्कूल को एक नए तर्ज पर यहाँ पर शुरू किया है, और उनका जो सिस्टम है वो वाकई देखने के लायक है। उर्दू के बहुत हमारे पुराने मरासिम इसलिए हैं कि इनके बड़े भाई हमारे साथ, अहमद मोहिद्दीन हकम साहब के साथ हमारे पास आया करते थे, और आज खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान हमारी दावत पर यहाँ हैं, डॉक्टर शहाब अफसर खान साहब। इसी तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मुलाजमत हो या अदबी सरगर्मियां हो, सियासी महाज हो या समाज का कोई काम हो, एक शख्स हमेशा मुतहरिक मुझे शहर में दिखाई देता है, जिसका नाम खालिद सैफुद्दीन है। मैं इल्तिमास करूंगा वारिसान हर्फ व कलम के जनरल सेक्रेटरी और रूहे रवां, ये इदारा अदबी सरगर्मियों को बहुत खूबी के साथ अंजाम दे रहा है, और अदब में औरंगाबाद का नाम पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। जश्न नूरुल हुसनैन के तहत अब तक तकरीबन 150 से ज़ायद प्रोग्राम 2 साल में मुनक्किद हो चुके हैं, ये अपने आप में एक कारनामा, एक रिकॉर्ड है। मैं खालिद सैफुद्दीन साहब से इल्तिमास करूंगा कि न सिर्फ वो अवार्ड को कबूल करें, बल्कि अगर चाहें तो अपने तासुरात भी यहाँ 2 मिनट में पेश कर सकते हैं, बाद में है ना। किधर है बुलाए ना, मैं बोला क्यों है? मैं रोजनामा हिंदुस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये आज जो इस्तकबाल किया गया है, मैं इसका खायल नहीं हूँ, लेकिन नायाब भाई से जो मोहब्बतें हैं उसमें मैं इनकार नहीं कर सका, और मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि मुझे ये निशान हिंदुस्तान दिया जाने वाला है। दोस्तों, वाकई जश्न नूरुल हसनैन आइंदा 5 जुलाई को अपना 151वां प्रोग्राम मनाने वाला है। प्रोग्राम बड़े हों या छोटे हों, एक मौका तो वारिसान ने हर्फ व कलम ने शहर के लोगों को ये इनायत फरमाया है कि वो 150 मरतबा मिलकर एक साथ एक जगह बैठ सके। हम ये चाहते हैं कि इंटेलेक्चुअल तबका, तालीमी तबका, ये आपस पे बग़ैर किसी सियासी पार्टी मसलक के झगड़ों से ऊपर उठकर अपने आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक़ पैदा करें, और हम इसमें बेहद कामयाब हो चुके हैं। एक खुशखबरी मैं आपको ये भी सुना दूं कि इसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं वो है महाराष्ट्र ग्रेजुएट फोरम, जिसके तहत मराठवाड़ा के 8 अजला में हमारे 12,500 पेपर्स हैं।
ये अल्लाह का करम है, तो ये एक नई पहल है। इंशाल्लाह हम तो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, हमसे जो वाबिस्ता है, उनसे ये गुजारिश है कि वो ज़मीन में अपनी पहले जड़ें मजबूत कर लें। अगर हम हमारी जड़ें मजबूत कर लेंगे तो हम सायेदार दरख्त भी बन सकते हैं, लोगों को फल भी दे सकते हैं और साया भी फराहम कर सकते हैं। शुक्रिया। इनके फर्जंद सेनेट में मेंबर हैं। इसी तरह से शहर में अरबी तालीम और तदरीस, यानी हमारे जो उर्दू दा तबका है उसको उस तालीम से जोड़ने वाले, अरबी की ग्रामर के साथ सिखाने वाले, मैंने खुद उनकी कई क्लासेस अटेंड किया है, इसलिए मुझे मालूम है कि शहर में मैंने अरबी पर इतना उबूर किसी को देखा नहीं। शायद मेरे मालूमात में कमी हो, लेकिन एक वो शख्स जो पेशे से बिल्डर रहा हो और उसने शहर में हाउसिंग का, सोसाइटी का एक कंसेप्ट जो है उसको आम किया, उसके बाद इस शहर में मॉल कल्चर को मुतारिफ़ किया, आज सिटी मॉल उनकी शाहकार यहाँ पर मौजूद है। अब्दुल्ला मार्कोनी साहब से मेरी इल्तिमास है कि वो आएँ और अपना अवार्ड कबूल करें। ये हमारे गुज़िश्ता जब से मैं यहाँ पर हूँ, मेरे बड़े भाई के तौर पर मेरे साथ रहते हैं, मेरा जो भी मामला है उसमें मेरे साथ मेरा खड़े रहते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घर के हमारे आदमी हैं। अब्दुल्ला मार्कोनी साहब की क्लासेस ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि जालना और इतराफ के ज़िलों में भी ये अरबी तालीम के लिए जाते हैं। आज खुशी है कि हमारे अवार्ड को कबूल करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद रहे। डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल खान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, हम मुंतज़िर थे उनके। अब अदबी मामला हो और ख़ान मुकीम साहब हमारे दरमियान मौजूद हों और उन्हें हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। ऑल इंडिया रेडियो जब सुबह ऑन किया करते थे तो इनकी आवाज़ सुनाई देती थी, ख़ान मुकीम खान साहब की आवाज़ को सुनकर शहर का जो उर्दू दा तबका है वो बेदार हुआ करता था और आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अवार्ड को कबूल करने के लिए वो यहाँ डाइस पर तशरीफ़ लाएं। साथ ही साथ कई अदबी अंजुमनें आपके ज़ेर निगरानी जारी हैं और हमारे न सिर्फ खैर खा रहे हैं बल्कि आगे बढ़कर हमारी मदद करते रहे हैं, अदबी हलकों में हिंदुस्तान को पहुंचाने में हमारे साथ रहे। अब उर्दू सहाफ़त के जो लोग हमारे साथ हैं, इस शहर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जनाब शोएब खुसरो साहब, रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स, गुज़िश्ता तकरीबन 40-50 साल से ज़ायद अरसे से यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, लेकिन वो कुछ वजूहात की वजह से यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे दिल में ज़रूर हैं। एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला शारिक नक्शबंदी, शायद वो डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं, लेकिन एशिया एक्सप्रेस भी उर्दू का एक मोतबर अखबार है जिसने शहर में अपनी साख कायम की है। इसी तरह ज़मीर अहमद कादरी साहब, मुदीर आला रोज़नामा रहबर, वो शायद अजमेर में थे मेरी जब बात हुई और आए या नहीं आए मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमारे दरमियान हमारे सरपरस्त और मुझे जो कानूनी मामलात से हमेशा बचाते रहे हैं, आज शहर का शायद मुझसे ज़्यादा कोई खुशनसीब एडिटर नहीं होगा जिस पर इतने कसीर तादाद में मुकदमात हुए। ये मुकदमात हमारे लिए, हमारे सरफराज भाई ने हमें तालीम दी है कि ये आपके काम की सनद है,
तो ये जब भी कानूनी मामला पेश आता है तो बगैर किसी फीस के लिए हुए एडवोकेट नवाब पटेल साहब हमारी मदद करते हैं अदालत में, और रोज़नामा अल जज़ीरा के बानी हैं, चीफ एडिटर हैं, आज वो अवार्ड को कबूल करें हमारी तरफ से। हफ्त रोज़ा एक बहुत बेहतरीन हमारे पास शाये हुआ है और पाबंदी के साथ अपनी खिदमत उर्दू के अंजाम दे रहा है अब्दुल वाहिद फारूकी वाहिद कलाम। ये पेशे से फोटोग्राफर थे लेकिन इन्होंने फोटोग्राफी के साथ एक उर्दू अखबार को भी शुरू किया हफ्त रोज़ा, और उसे मुसलसल पाबंदी के साथ शाये करते हैं, उर्दू की खिदमत करते हैं। फोटोग्राफर को शायद एंगल बताने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह शहर में न्यूज़ नेटवर्क चैनल जो चल रहे हैं उससे भी उर्दू की खिदमत बहुत बड़े पैमाने पर होती है। MCN उर्दू न्यूज़ के रूह रवा काजी मोहियुद्दीन साहब हमारे दरमियान हैं। उर्दू न्यूज़ जो शहर में चलती है, घर घर में देखी जाती है, वो काजी साहब की मेहनतों का समरा है कि वो दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं। इसी तरह से एक और न्यूज़ नेटवर्क चैनल हमारे पास है ADN, अयूब खान साहब उसके रूह रवा हैं, अगर वो हों या उनका कोई नुमाइंदा हो तो वह आकर अपना अवार्ड ले लें। ETV उर्दू के नुमाइंदे अजहरुद्दीन, ETV उर्दू के नुमाइंदे अजहरुद्दीन कौमी मीडिया में यहाँ औरंगाबाद को, औरंगाबाद की तकरीबन हर सरगर्मी को ये कवर करते हैं और उर्दू की खिदमत में लगे रहते हैं। अब देखिए एक और अलग तरह का हम ये एजाज देने जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई उर्दू के साथ शबो रोज जुड़े रहते हैं जैसा मैं हूँ, लेकिन कुछ लोग पर्दे के पीछे रहते हुए जो हमारी मदद करते हैं ताकि हम अपनी खिदमत को अंजाम दे सकें, उनमें से एक नाम डॉक्टर अज़ीज़ कादरी साहब का है जो यहाँ पर पड़े गांव में जिनका मेंटल हॉस्पिटल है। नफ्सियाती इलाज ज़रूर होता है उधर लेकिन अदबी नब्ज़ को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उनके फर्जंद हमारे दरमियान डॉक्टर मेराज कादरी साहब हैं। ये कई सोशल इदारों से ज़रूर जुड़े हुए हैं लेकिन हिंदुस्तान के साथ हमेशा से दस्ते ताउन दराज करते रहे हैं। अज़ीज़ कादरी साहब की चूँकि उम्र ज़्यादा है और अलालत की वजह से नहीं आए, लेकिन मेराज साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारा एजाज़ कबूल किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ अब जो हमारे शहर के जिम्मेदारान हैं, मैं डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब से ख़ास तौर पर गुजारिश करूँगा कि सरफराज भाई के साथ आप भी ज़रा हाथ बटाएं, क्योंकि अब मामला आ रहा है अदब का, तो अदब के लिए अदब का ही आदमी साथ रहे तो बेहतर है। हमारे चीफ एडिटर साहब के साथ जनाब नूरुल हसनैन साहब जिनका जश्न मनाया जा रहा है, और
जो आलमी सतह पर एक मारूफ फिक्शन निगार के तौर पर जाने पहचाने जानते हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको अवार्ड के लिए हमने सेलेक्ट किया है। आप इसे कबूल करें, ये छोटा सी एक नजराना है। आपकी खिदमात इतनी बड़ी है कि उसके लिए चाहे जितना किया जाए कम है। इसी तरह से एक मुअल्लिमा हैं हमारे दरमियान जो उर्दू स्कूल में टीचर हैं, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, मोहतरमा खान शाफिया सुल्ताना साहिबा, उनसे इल्तिमास है कि वो भी तशरीफ़ ले आएं और नूरुन्निसा से इल्तिमास है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और उन्हें अवार्ड से नवाजें। अब्दुल वहीद अपने डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब के साथ, ये उर्दू मुअल्लिमा हैं, उर्दू स्कूल में तदरीस तालीम खिदमत अंजाम दे रही हैं। खान शमीम साहब, खान शमीम साहब को कौन नहीं जानता, इनकी लिखी हुई नज़में शाहकार हुआ करती हैं हिंदुस्तान के, न सिर्फ यहाँ बल्कि सफ़े बम्बई के भी अखबार में सफ़े अव्वल पर शाये होती रही हैं। मैं उनसे इल्तिमास करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना अवार्ड कबूल करें। डॉक्टर असलम मिर्ज़ा साहब हमारे दरमियान हैं। नूरुल हुसनैन साहब जिस तरह से हमारे साथ शुरू से रहे, अभी उन्होंने अपनी एक किताब में भी लिखा है कि उनकी शुरुआत जो है पहला मज़मून हिंदुस्तान में शाये हुआ था बम्बई के, उसी तरह से असलम मिर्ज़ा साहब का भी मज़मून हमारे पास शाये होता रहा बम्बई में और आज खुशकिस्मती है कि वो इस अवार्ड को कबूल करने के लिए हमारे दरमियान हैं। उर्दू अदब तालीम तदरीस साथ ही साथ कोर्ट तमाम तर खूबियों को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। न सिर्फ शायर अच्छे हैं बल्कि मुसन्निफ भी अच्छे हैं, अदीब भी अच्छे हैं, जिनको पूरे रियासत में एक अहम मकाम हासिल है। डॉक्टर इकबाल मिन्ने, डॉक्टर इकबाल मिन्ने की खसूसियत ये है कि इन्होंने उर्दू और मराठी के साथ जो तालमेल को जोड़ा है वो इनका ही एक खासा है। उर्दू को मराठी के साथ वाबस्ता करने, मराठी साहित्य सम्मेलन हर साल ये करवाते हैं और फख्र होता है कि उसके ऑर्गेनाइज़र और सदर के तौर पर हमारे इकबाल मिन्ने साहब का नाम सामने आता है। नहीं, 20 से ज़्यादा अवार्ड ही नहीं बनवाए थे। अब मेरी फहरिस्त में और एक दो नाम हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लोग क्या उन्हें अवार्ड पेश करें, वो पूरी दुनिया को अवार्ड, लेकिन औरंगाबाद की हर तकरीब में अदबी हो या समाजी हो हम उन्हें अपने साथ देखते हैं। बहुत अच्छे शायर, छोटी बहरों में अगर कोई मैंने किसी को माहिर, छोटी बहर में बड़ी बात कहने वाले शायर सलीम मोहियुद्दीन, उनकी प्रोफेसर हैं, सदर शोभा हैं नांदेड़ के कॉलेज में और परभनी में और एक ज़रई कॉलेज में भी इनकी खिदमात हैं। शहर में इनको बहुत मकबूलियत हासिल है। फारूक शमीम साहब, फारूक शमीम साहब बहुत सरकर्दा शायर,
अब परभनी से हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए खिजर अहमद खान शरर साहब। मेहमान शायर ज़रूर हैं लेकिन हमारे अपने हैं, हमारे करीबी दिल में हैं, उर्दू के खादिम हैं, शायर हैं, इसलिए हमने इन्हें भी एजाज से नवाजने का फैसला किया है। खिजर अहमद खान शरर। अब ये एक रस्म, दूसरा जो दौर था वो ख़त्म हो रहा है, अब तीसरा आपका जो मुशायरा है वो शुरू होगा और उसके बाद जब तक ये आप हैं और मुशायरा है, आइए और लुत्फ़अंदोज़ होए हम और आप तमाम मिलकर। अब हमारे चीफ एडिटर सरफराज आरजू साहब आपसे मुखातिब होंगे, अगर उनकी तकरीर नहीं हुई तो हमें तिशनगी रहेगी। जनाब सरफराज आरजू साहब से मेरी इल्तिमास है कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत के 200 साल मुकम्मल हुए और उर्दू के बल्कि हिंदुस्तानी सहाफत में जो पहला शहीद सहाफत हुआ वो मौलवी मोहम्मद बाकर थे, तो उनको जो फांसी की सज़ा दी गई है, कुछ लोग कहते हैं कि उनको तोप से बांध के उड़ा दिया गया, तो अगर आज उर्दू सहाफत के आरिस पे कुछ सुर्खी है तो ये उसी खून का असर है जो मौलवी मोहम्मद बाकर की रगों में दौड़ रहा था। और हमारी तो तारीख जो है वो खिदमत की, क़ुरबानी की और जाफ़िशानी की रही है, उसी तारीख को जो है वो किसी शक्ल में मैं जारी रखे हुए हूँ और किसी और शक्ल में जो है नायाब अंसारी साहब जारी रखे हुए हैं। हम लोग तो कलम के सिपाही हैं और आजकल तो जिस तरह के हालात हैं और जो सहाफ़त पर जिस किस्म के बादल, सियाह बादल छाए हुए हैं, उनसे तो ये होता है, सोचता हूँ मैं कि उर्दू सहाफ़त ने 200 साल तो मुकम्मल कर लिए बड़े शानदार तरीके से, लेकिन इसकी अगली सदी कैसी होगी इसकी कोई बात जो है इत्मीनान बख्श अंदाज में जो है बयान नहीं की जा सकती। वजूहात तो बहुत सी हैं, हम अपनी बात करें तो कुछ आप बीती और कुछ जग बीती वाली बातें हैं कि हिंदुस्तान ने जो है किस तरह सर्वाइवल के जो अनासिर हो सकते थे उनको इख्तियार किया और किस तरह हम लोग जो है इस सफ़र को यहाँ तक लेकर आए। बात मैं अगर करूँ तो 1989 से इसको शुरू करूँगा जब हिंदुस्तान ने पहला सॉफ्टवेयर उर्दू नस्तालीख का जो है स्क्रिप्ट का हमने तैयार किया, क्योंकि उससे पहले जब तक उर्दू का कंप्यूटर और उर्दू का कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था
और जब तक कैलीग्राफी का और किताबत का दौर चल रहा था तो उस वक्त तक जो है हम लोगों को ये लगता था कि हमारा मुस्तकबिल जो है बिल्कुल तारीख है। वजह उसकी ये थी कि उस ज़माने में हिंदी में, अंग्रेज़ी में, मराठी में, इवन संस्कृत में भी जो है वो उर्दू कंप्यूटर्स का जो है दखल शुरू हो चुका था। और अगर उस दौर में अगर हम लोग उर्दू को कंप्यूटराइज नहीं करते तो ये ज़बान जो है ये इस दौड़ में बिल्कुल पीछे रह जाती और पत्थर के अहद में ही महदूद होके और सिमट के रह जाती। लेकिन वो दौर उस वक्त हम लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और हालांकि कोई बैकिंग नहीं थी हम लोगों के साथ, जैसे दीगर ज़बानों के साथ कभी यूनिवर्सिटीज़ वाबस्ता हो जाती हैं, कभी सरकारी इदारे वाबस्ता हो जाते हैं, या कभी ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनकी सरपरस्ती करते हैं और रिसर्च को जो है वो फ़रोग देते हैं, वैसा उर्दू के साथ नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अपने तौर पर ही जो है इस काम को अंजाम देने का फ़ैसला किया और 1989 में उर्दू का पहला सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में जो टोटली इंडिजीनियस जिसको कह सकें हम लोग, वो तैयार हुआ। तो ये जो सॉफ्टवेयर जो था इसकी आमद के बाद तो फिर ये उस ज़माने की बात है जब कंप्यूटर का सिस्टम जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं वो डॉस बेस्ड हुआ करता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुआ करते थे। ये विंडोज़ का जो का दौर जो है वो इसके बाद का है और विंडोज़ के आने के बाद जो है फिर उर्दू के सॉफ्टवेयर को तैयार करने में जो है और ज़्यादा आसानियाँ हो गई और उसके बाद जो है फिर पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उर्दू जो है फिर वो दूसरी ज़बानों के हमपल्ला हो गई और उसका नतीजा ये है कि आज उर्दू हो या हिंदी हो या मराठी हो या किसी भी ज़बान में उर्दू का सॉफ्टवेयर जो है आप किसी भी ज़बान के सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज उर्दू के अखबारात जितने आसानी से निकल रहे हैं और जितनी तादाद में निकल रहे हैं इतना हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं निकले। और अब जो है आप मोबाइल उठा के देख लीजिए, दीगर मार्केट्स में भी देख लीजिए कि फोर कलर के मल्टी कलर उर्दू अखबारात जो हैं वो अब एक आम सी बात हो गई है। अब अगर मल्टी कलर अखबार आप नहीं निकालें तो वो ख़बर बनती है, अगर आप मल्टी कलर अखबार निकाल रहे हैं तो वो ख़बर नहीं बनती। तो ये जो तरक्की होती रही और इसके साथ जो है हिंदुस्तान ने जो है कदम से कदम मिला के जो है वो बात को आगे बढ़ाया, इसके जो है बहुत से फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा जो मैं आपके सामने जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ वो ये है कि कंप्यूटराइजेशन जो है ये तो एक आम सी चीज़ हो गई, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग कंप्यूटर्स लेके बैठे हुए हैं और शादी के कार्ड हों या दावतनामे हों या इवन अखबारात के सफ़ात जो हैं वो लोग तैयार करके दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने उसी दौर में एक तजर्बा और किया था, वो तजर्बा ये था कि हम बम्बई में बैठ के मालेगाँव से अखबार निकालते थे, जिसको डेटा ट्रांसमिशन का जो है एक सिस्टम कहा जाता था। अब ये उस वक्त जब हम लोगों ने शुरू किया ये सिस्टम तो उस वक्त हमारे जहन में ये नहीं आई थी बात कि 2020 में और 2022 में इसके क्या फ़ायदे हम लोगों को हासिल होंगे। तो हुआ ये कि जब लॉकडाउन लगा और जब पूरे हिंदुस्तान में लोगों के चलने फिरने तक पर जो है पाबंदियाँ लगने लगीं और अखबारात की इशात जो है वो मसदूद होने लगी और बल्कि कई अखबारात तो बंद भी हो गए, तो उस दौर में जो है हमको, हमने जो 1990 में जो काम किए थे उनका जो है 30 साल बाद हमको जो है डायरेक्ट जिसको कहते हैं ना उसका फ़ायदा हासिल हुआ। वो इस तरह के बम्बई में लोकल ट्रेनें बंद हो गई, बसों में सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी, आप जो है बाहर नहीं निकल सकते थे। तो हमने ये किया कि हमारे जो सफ़ा साज थे उनके घरों पे जो है कंप्यूटर्स को जो है और लैपटॉप्स को जो है पहुंचा दिया। और वो तजर्बा जो हमको बम्बई से बैठ के मालेगांव में अखबार निकालने का जो हम लोगों को तजर्बा हासिल हुआ, उसकी वजह से हम लोग जो है हिंदुस्तान वो वाहिद अखबार था जो लॉकडाउन के स्याह तरीन अयाम में भी जो है बड़ी पाबंदी से शाया होता रहा, क्योंकि वो सफ़ात के लिए तैयार करने के लिए, अखबार तैयार करने के लिए लोगों को घर पे दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं रही, तो वो अपने घर से बैठकर ही जो है तमाम खबरें तमाम सफ़ात जो है वो तैयार करके बैठते रहे। हमारे दफ्तर का तो ये आलम था कि मुझे वहाँ पर शाम को अजान देना पड़ती थी कि
के यहाँ से बलाएं जो हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि हु का आलम था, सड़कें वीरान कुछ भी नहीं। लेकिन ये जिसको कहते हैं कि एक ऐसा तजर्बा था जिसने हम लोगों को जो है सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा अहम सबक सिखाया, और यही चीज़ जो है हमने देखी कि बम्बई से बैठ के हम लोगों ने जो है नायाब भाई के लिए भी जो है सफ़ात तैयार की और उनकी तरसील का इंतज़ाम किया ताकि यहाँ भी जो है वो तवातर जो है वो बरकरार रहे। तो ये तो एक उसका एक जिसको मैं कहता हूँ कि ये हमारी आप बीती वाली बात थी, और जग बीती वाली बात ये है कि हिंदुस्तान में सहाफ़त का जो मैार जिस तेज़ी से बम्बई की ज़माने में कहते हैं ना घसर रहा है, उस पर जो है हम लोगों को बड़ी तशवीश है। और तशवीश की वजह यह है कि इस जवाल में जो है हुकूमत का भी अपना एक कंट्रीब्यूशन है। सरकारें जो हैं वो सहाफ़त को फ़रोग देने के लिए, उनको तवाना करने के लिए, उनकी तवानाई में इजाफ़ा करने के लिए जो है वो प्रोत्साहन दिया करती हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है उसने जो है अखबारात का गला घोटने का काम किया है। और मैं बातें जो है सिर्फ हवा में नहीं करता, मेरे पास तो स्टैटिस्टिक्स भी रहते हैं कि 2 साल पहले तक जो है हमारी सरकार अखबारात पे जो है सालाना 1,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी इश्तहारात की शक्ल में, 800 करोड़ और 1,000 करोड़। पिछले साल उसने जो है सिर्फ 160 करोड़ रुपए खर्च किए। तमाम शोबाजात में इजाफे हो रहे हैं स्पेंडिंग में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, लेकिन सहाफत पर जो है सरकार का जो खर्च जो है वो 1/4 से भी कम घट कर आ गया। तो जब ऐसे हालात हों तो ऐसे हालात में सर्वाइवल जो है वो और मुश्किल हो जाता है। और इस दौर में जिन लोगों ने अपने आप को ज़िंदा रख लिया वो मैं समझता हूँ कि वो काबिल एहतराम हैं और उनके इस जज्बे को जो है सलाम करना चाहिए। हम देखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो कभी 48 सफ़े का और 52 सफ़े का हुआ करता था वो 16 सफ़े और 20 सफ़े में जो है सिमट कर रह गया है। तो इसकी जो है जब आप अपनी हालत पर नज़र डालते हैं तो उससे पहले ये भी देखिए कि इस जहां में जो है दूसरे लोगों का क्या हाल है। हम जब अपनी बीमारी का जो है तज्जिया करने जाते हैं तो हमें सही तज्जिया उसी वक्त होता है जब पता चलता है कि दूसरे कितने बीमार हैं। तो जब पूरी सहाफ़ती दुनिया जो है, हिंदी सहाफ़त भी उसी कर्ब की शिकार है, मराठी वाले भी जो हैं इसी कर्ब के शिकार हैं, हमसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना शरह अमवात अखबारात की वो हिंदी और मराठी में है। उर्दू के अखबारात तो फिर भी जिसको कहते हैं शू स्ट्रिंग बजट पर जो है शाया हो जाते हैं, किसी ना किसी बहाने जो है वो अपने एडिशंस को जो है जारी रखे हुए हैं। लेकिन हिंदी और मराठी वाले अखबारात और गुजराती के जो अखबारात हैं वो तो इतना उनके यहाँ वो जज्बा नहीं है। तो वो तो अगर कॉमर्शियल वेंचर है, अगर कामयाब है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उन्होंने सोचा कि ये छोड़ के चल गए अपन क्या कहते हैं वड़ा पाँव ही बेच लेंगे। तो उनके यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो शरह अमवात जो अखबारात की है वो दूसरी ज़बानों में उर्दू के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन हमने इस चीज़ को जो है बड़े इत्मीनान के साथ देखा है कि ना औरंगाबाद के अखबारात बंद हुए, ना नांदेड़ के अखबारात बंद हुए, ना बम्बई के अखबारात बंद हुए, उर्दू अखबारात की मैं बात कर रहा हूँ। और उर्दू सहाफ़त ने जो है वो जिस ताकत का मुजाहरा किया है वो मैं चूँकि ख़ुद सहाफ़ी हूँ, मैं अपने पेशे की और अपने बिरादरी की तारीफ़ करूँ तो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आज़ादी से पहले उर्दू सहाफ़त का एक मिशन था और हुसूल आज़ादी जो है हमारा मकसद था, तो आज की तारीख में जो है उस आज़ादी का तहफ़ जो है वो हमारे वजूद को जो है एक मकसद हयात जो है वो अदा करता है। तो चाहे वो उर्दू के अखबारात बम्बई के हों, चाहे वो औरंगाबाद के हों, चाहे नांदेड़ के या कहीं और के मालेगांव के, इन तमाम अखबारात ने एक चीज़ जो मुश्तरक है वो ये है कि इन्होंने कभी मिल्लत के किसी कॉज से जो है गद्दारी नहीं की। चाहे वो कोई भी कैसे ही हालात हों, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे पर्सनल लॉ हो, चाहे वो तौहीन रसालत के मामलात हों, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, हर वो चीज़ जिससे मिल्लत का कहीं ना कहीं जो है रब्त है और वो उससे डायरेक्टली इफ़ेक्टेड है, उन तमाम मामलात में जो है बिला किसी इस्तिस्नियात के उर्दू अखबारात ने, उर्दू सहाफ़त ने जो है मिल्लत के कॉज को जो है हमेशा ज़िंदा रखा।
और हमेशा उसको जो है आगे बढ़ाया। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई सवाल करे कि आपके वजूद का कोई मकसद क्या है और आप ज़िंदा क्यों हैं और आपको आप अगर मर जाते तो क्या कमी हो जाती, क्या क्या फ़र्क पड़ जाता, तो उसका जवाब यही है कि अगर हमारे मामलात आज भी ज़िंदा हैं और अगर हमारे मामलात आज भी सियासी सतह पर जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं और अरबाब इख्तदार की जो है नींदें हराम कर रहे हैं, तो उसमें उर्दू अखबारात का ये जो रोल है ये बहुत ही अहम रोल है। और मैं समझता हूँ कि नायाब अंसारी हों या शारिक नक्शबंदी हों या खुसरो साहब हों, इन तमाम का जो है इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। और हम अगर हिंदुस्तान की 20वीं सालगिरह आज मना रहे हैं तो हम लोगों को इस बात का जो है इस बात पर पूरा इत्मीनान है कि हमारी जो रविश जो है और हमारा जो ये तुर्रे इम्तियाज जो है ये कायम रहेगा और इसी तरह जो है हम लोग आइंदा भी जो है इसी किस्म के जश्न मनाते रहेंगे। आज की भी तकरीब जो है वो थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड, थोड़ी मुझको थोड़ी महदूद ज़रूर लग रही है, लेकिन ये रिवायत का इस रिवायत का ज़िंदा रहना जो है वो अपने आप में एक अलामत है उस ताकत की कि ये ताकत हम जो है अभी ज़िंदा हैं, मरे नहीं हैं। और बात तो सिर्फ यही है कि चला जाता हूँ हँसता खेलता मौज हवादिस से, अगर आसानियाँ हो तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। तो हमको जो है आसानियों की जो है हमको तवक्को नहीं है और आसानियों से जो है हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो दुश्वारियों को जो है अपना राह मंजिल समझते हैं और उन्हीं पर जो है उन्हीं हालात में जो है वो जिसको कहते हैं कि बच बचा कर अगर हम जीत कर आते हैं तो हम जो है उस पर एक जश्न और मनाने की पोजीशन में होते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि उर्दू सहाफ़त और सहाफ़त का आम तौर पे जो आलम है उसमें तो आजकल तो ये है कि एक ही बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मैंने हमेशा ये सुना था कि जन्नत से लोगों की जब खलासी होगी तो उनमें से कुछ लोग नहीं, जहन्नम से जब लोगों को रिहा किया जाएगा तो कुछ लोग जो है जन्नत में ज़रूर जाएंगे। लेकिन उर्दू सहाफ़त का मामला ऐसा है कि यहाँ जन्नत से लोग जो है जहन्नुम की तरफ मराजियत कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जर्नलिज्म को जो है इस कदर भोंडा कर दिया है कि हमारे यहाँ आज नई टर्मिनोलॉजी ईजाद करनी पड़ रही है, गोदी मीडिया की और रखेल मीडिया की और इस किस्म की बातों की। ऐसे नामसाइद हालात में भी अगर उर्दू सहाफ़त अपना परचम बुलंद रखे हुए है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी तीसरी सदी में हमारे बका की जो है अलामत है। शुक्रिया। अब ताखिर से सही, हमारे एक मेहमान जो हिंदुस्तान के साथ हमेशा ताउन करते रहे हैं, जब भी हमने उन्हें आवाज़ दी हमारे साथ खड़े रहे, साथ ही साथ हमारी जो एनजीओस के काम चलते हैं, हिंदुस्तान ने अपनी इन शाखों को मुख्तलिफ फील्ड में भी फैलाया है, जिनमें एक हमारे फर्जंद इरबाज़ अंसारी का एनजीओ है आई लव औरंगाबाद, तो वो उस फाउंडेशन के लिए भी हमेशा मदद करते हैं शहर में। जैसा हमने कहा कि हमें अपनी खिदमात अंजाम देने के लिए बहुत से वसाइल की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा कोई काम अखबार का बगैर पैसे के नहीं होता। हमारे इश्तहारात के पैसे हमें आएंगे भले 6 महीने 3 महीने के बाद, लेकिन हमें तो नकदी अदा करना पड़ता है। एजाज जैदी साहब मेरे साथ हैं पहले से शुरू से और जानते हैं कि कैसे कैसे दौर से हम लोग गुजरे हैं और आज भी हम उससे मुकाबला आरई कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे मददगार हाथ जो हमारे सामने आते हैं, हमारी मदद करते हैं, चाहे वो मेराज कादरी हों या शंगरीला ग्रुप ऑफ होटल्स के सलीम खुर्ची वाला हूँ, आज खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान हमारी दावत पर यहाँ आए। बहुत मसरूफ़ आदमी है, पूरी लाइन का इनके ऊपर बोझ है, अपना सिर्फ अपना देखते हैं बल्कि पूरी होटल इंडस्ट्री को संभालते हैं, साथ ही साथ लायंस क्लब यहाँ जो शहर में है उसके एक बहुत अच्छे जिम्मेदार फ़ाल रुकन हैं। मैं सरफराज आरजू साहब से गुजारिश करूँगा
कि एक जो आखिरी अवार्ड बचा हुआ है हमारा उनके नाम का है, वो आप उन्हें नवाज दें, ताकि एक मोहसिन हमारे हैं, एहसान है इनका हमारे ऊपर, उसकी हम भरपाई तो नहीं कर सकते लेकिन एक नजराना ज़रूर उनको पेश कर सकते हैं। सलीम खुर्चीवाला साहब, शंगरीला ग्रुप ऑफ होटल्स के रूह रवां, बस स्टैंड वगैरह पे आपने देखी होगी इनकी होटलें हैं, और जब भी कोई ऐसा मौका आता है हम सिर्फ एक कॉल करते हैं और वो हमारी मदद के लिए हमेशा साथ आ जाती है। देखिए, ये खुशकिस्मती है हमारी कि आज शहर के तकरीबन हर महल्ले में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के सालगिरह की जश्न मनाया जा रहा है, और आज वो हमारे इस जश्न में तशरीफ़ लाए हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं, हमारे मददगार हैं। इसी तरह शारिक नक्शबंदी साहब, मैंने जैसा अर्ज़ किया था कि मसरूफियत में होंगे, आएंगे ज़रूर, आज वो भी हमारे दरमियान हैं। एशिया एक्सप्रेस जो खिदमात अंजाम दी जा रही है, मैं इरबाज से इल्तिमास करूंगा कि सरफराज भाई को फूलों का गुलदस्ता और शॉल दें ताकि वो हमारे मेहमानों का इस्तकबाल कर सकें। साथ ही साथ एक और खुशखबरी ये है, मैंने जैसा शुरू में भी अर्ज़ किया था कि इस अखबार की सालगिरह के साथ कई लोगों की सालगिरह होती है, उसमें से एक डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हैं, दूसरे हमारे एजी खान साहब हैं, तीसरे हमारे कमाल फारूकी साहब हैं जो शायद शहर में नहीं हैं, वरना ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद रहा करते हैं, रहते हैं, हमारे हमदर्द हैं, सुख दुख के साथी हैं। आज एजी खान साहब हमारे दरमियान हैं, मैं 20 साल में इतनी खुशी मुझे जब महसूस नहीं हुई जितनी आज हो रही है, क्योंकि वो हमेशा अपनी सालगिरह तकरीब की वजह से कहीं ना कहीं या तो आउट ऑफ शहर रहे या मसरूफ रहे, बाद में ज़रूर घर पर आकर मिलते, हमारी पजीराई करते, दुआएं देते, नवाजिश हमारे पर करम करते, लेकिन आज हमारी दावत पर यहाँ आए, आज उनकी भी सालगिरह है। हम तमाम जिनकी सालगिरह है, हमारे डॉक्टर साहब हमारे बर्थडे बॉय हमेशा से हमारे साथ हैं, डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन है, तो आज इनकी भी सालगिरह है, तमाम को नेक ख्वाहिशात, मुबारकबाद। जी जी, शारिक नक्शबंदी साहब आप भी स्टेज पर तशरीफ लाइए, देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर साहब कुछ मसरूफियत की वजह से जाना चाह रहे हैं, मैं चाहता था नेक ख्वाहिशात दो मिनट में। हिंदुस्तान के संपादक मोहतरम नायब अंसारी साहब, बम्बई हिंदुस्तान के जिम्मेदार एडिटर, हमारे सबके बड़े भाई सरफराज आजू साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, सामईन में सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, चिश्ती साहब बैठे हैं, हमारे नूर हुसनैन बैठे हैं, मिर्जा आसम बैठे हैं, वहीद भाई बैठे हैं, एजी फारूक एजी खान साहब बैठे हैं, हमारे एफके हैं, हमारे खान साहब हैं, तमाम साथी एजाज जैदी साहब हैं, तो मैं समझता हूँ सबके नाम लेना मुमकिन नहीं है, मगर सच बात तो ये है कि नायब अंसारी ने बड़ी मेहनतों से, बड़ी कोशिशों से हिंदुस्तान अखबार को आगे बढ़ाया। इनकी इस कोशिशों में इनकी अहलिया मोहतरमा नूर आपा, हमारे बेटा अरबाज सब साथ रहे हैं, बहुत ही नामसायद हालात में काम किया है, मुस्तखिर मिजाजी और हिम्मत के साथ मुश्किल काम करना ये नायब अंसारी का शेवा है,
मैं समझता हूँ, मैं इनके अखबार से बहुत वाबस्ता रहा, इन्होंने बहुत मदद की मेरी, इनके मुझ पे बहुत एहसानात हैं। अल्लाह से दुआ है कि रोज़नामा हिंदुस्तान आगे इसी तरह से काम करता रहे, हमारी मोहब्बत कायम रहे। तो नायाब भाई, इस मौके पर आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद, अगर आपके अखबार को तरक्की दे। हमारी मिगत की आवाज़ सहाफत के ज़रिए आप उठाते हैं, सरफराज आरजू भी बहुत मेहनत से काम करते हैं, यहाँ जितने भी जिम्मेदार बैठे हैं सबके अपने अपने मैदानों में खिदमात हैं, अगर इनकी खिदमात को कबूल करें। अब हालात ऐसे हैं, हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हमको इन खिदमात करने वालों की कदर करना होगा और हमको इत्तेहाद और मिलजुल कर अच्छे काम करना पड़ेगा। हमको इस बात पे कोई तवज्जो नहीं करना चाहिए कि इसमें क्या खामी है, अच्छाई पे नज़र रखते हुए काम करना चाहिए। बहरहाल एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं नायाब अंसारी भाई को, उनकी अहलिया मोहतरमा नूर आपा को, नूरनिसा आपा को, अरबाज भाई को और हमारे सरफराज आरजू साहब को मुबारकबाद देता हूँ। सरफराज भाई मुझसे पूछ रहे थे कौन सी सालगिरह मनाए तुमने, मैंने कहा 65 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अब 66वीं सालगिरह मना रहा हूँ। मगर मैं सरफराज भाई को जब से देखा 20-25 साल से जैसे वैसे दिखते, वो कितने साल की उम्र बताते मैं कह नहीं सकता आपके सामने। नहीं 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 नहीं, वो ऐसे ऐसे दिखते, सरफराज भाई में कोई तब्दीली नहीं हुई, वही उनकी मोटरसाइकिल, वो बुलेट मोटरसाइकिल है ना बीबी, बम्बई में होती है। मैं माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर था तो मैंने सरफराज भाई के पास जाना, हम दोनों ने सुबह पाए खाना, फिर मुझे मंत्रालय तक पहुँचाते थे, फिर वापिस आना, फिर पाए खा के शाम में वापिस आना। देखो ये मौका आपको भी दिया जाएगा, हम आपके लिए तैयार हैं। ये शुक्रिया, खुदा हाफिज़ साहब। दूर से अगर किसी को देखकर पहचाना जा सकता है तो वो शख्सियत हमारे फिरोज़ खान और FK की है। मैं गुजारिश करूंगा कि आएँ और सरफराज भाई आपका इस्तकबाल करेंगे हमारे इदारे की तरफ से। खालिद अहमद साहब, आप भी तशरीफ़ लाइए, इस मुशायरे के आप कन्वीनर हैं और हमारे दोस्त हैं। रफ़त यार खान साहब, कॉरपोरेटर, बहुत मुतहरिक खिदमात समाजी अंजाम देते हैं, और लॉकडाउन में जो हमने देखा, मैं खुद उस बात का गवाह हूँ कि इन्होंने जो मजदूर जा रहे थे उनको चप्पलें तक दी, खाना खिलाया, चॉकलेट दी ताकि रास्ते में कहीं उनको तकलीफ हो तो वो चॉकलेट से आगे का रास्ता तय कर सकें, और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके जो इन्होंने काम किया है उस पीरियड में, उसकी जितनी सताइश की जाए कम है। इसी के साथ हमारे खालिद अहमद साहब भी हैं यहाँ पर, आप भी इदारे की जानिब से ये हमारा तोहफा कबूल कर लें, ताकि हमारे दोस्त हैं, खैरख्वाह हैं, हमदर्द हैं। मैं आज की शायद ये तकरीब नहीं मुनाकिद कर पाता अगर इनका ताउन नहीं होता, मेरा कतई इरादा नहीं था। जैसे हमारे दोस्त एजाज जैदी साहब, प्लीज आप आइए और अपना एजाज और हमारा ये कबूल कीजिए। एजाज जैदी साहब ये जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हैं उसके मेंबर हैं और शहर में हमेशा हमारे साथ कदम कदम पर हमारे साथ रहे हैं। अब एक और शख्सियत, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्हें मैंने हमारे बानी के वक्त से देखा है कि जो हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता रहे हैं, गजनफर जावेद साहब। अल्लाह का शुक्र है कि वो आज नासाजी तबीयत के बावजूद यहाँ पर हैं।
मैं इल्तिमास करूंगा कि उनका इस्तकबाल सरफराज भाई के हाथों से कबूल करें। हम लोग भले आपके सामने बच्चे हैं, लेकिन आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपकी इज्जत अफजाई करना हमारा फ़र्ज़ है। हम आपके ममनून व मशकूर हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। शहर में ये वाहिद सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्हें सरकारी पेंशन मिलती है, वरना हम लोगों का तो ये हाल है कि 50 के बाद अल्लाह हाफिज़। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये सरकारी पेंशन याफ्ता वाहिद सहाफ़ी सीनियर यहाँ पर हैं और सरपरस्ती के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। सामाजिक कारकुन तौफीक शेख साहब, तौफीक शायद ये ओयो इनका ब्रांड है, ओयो होटल्स का जो आप यहाँ बोर्ड देखते हैं, और साथ में इनके मनोज भाई हैं। मनोज भाई आप भी तशरीफ़ लाइए, सरफराज भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि इनका इस्तकबाल करें। मनोज भाई और हमारे तौफीक भाई ये दोनों हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और इरबास के साथ हमेशा एक्टिव इनका पार्टिसिपेशन रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे दरमियान हैं। सलीम मोहिउद्दीन साहब, आगे की कार्रवाई अब आप संभालिए, हम सामने बैठते हैं। नहीं, वो आए इसलिए तो जाएंगे नहीं, इनकी मोहब्बत है। सलीम मोहिउद्दीन साहब आगे की कार्रवाई मुशायरे की चलाएं। मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। जश्न हिंदुस्तान के इस तीसरे मरहले में मैं आपका दिली खैर मकदम करता हूं। हजरात, मैं बिला किसी तमहीद के और वक्त चूँकि हमने बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं आज के इस नशिस्त के पहले शायर परभनी से तशरीफ़ लाए, नौजवान जिनका लहजा और जिनका तरन्नुम आपको यकीनन मुतासिर करेगा, जनाब खिज़र अहमद खान शरर, तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम हजरात, आज की ये शब रोज़नामा हिंदुस्तान औरंगाबाद की जानिब से मुनक़िद की गई है। रोज़नामा हिंदुस्तान औरंगाबाद की 20 साल कारकर्दगी पर मैं उनके मुदीरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने शेरी सफ़र का इनेकाद करता हूँ। समाज फरमाए, मतलब के जी समाज फरमाए के किताबों से जी हम लगाने लगे हैं, किताबों से जी हम लगाने लगे हैं, नए लफ्ज कागज पर आने लगे हैं। किताबों से जी हम लगाने लगे हैं, नए लफ्ज कागज पर आने लगे हैं, और हुस्न मतलब अहबाब के नदी के किनारे बताने लगे हैं, नदी के किनारे बताने लगे हैं, परिंदे कहीं और जाने लगे हैं, नदी के किनारे बताने लगे हैं, परिंदे कहीं और जाने लगे हैं, और ये शेर हजरात के हमारे दिलों में खलिश आ गई है, हमारे दिलों में खलिश आ गई है, ताल्लुक मगर हम निभाने लगे हैं, हमारे दिलों में खलिश आ गई है, ताल्लुक़ मगर हम निभाने लगे हैं, और ये शेर के तेरी रोशनी रख तेरे पास सूरज, तेरी रोशनी रख तेरे पास सूरज, अंधेरों में हम जगमगाने लगे हैं, तेरी रोशनी रख तेरे पास सूरज, अंधेरों में हम जगमगाने लगे हैं, और नहीं कोई उनका ठिकाना नहीं है, नहीं कोई उनका ठिकाना नहीं है, ठिकाने ही सारे ठिकाने लगे हैं, नहीं कोई उनका ठिकाना नहीं है, ठिकाने ही सारे ठिकाने लगे हैं,
किताबों से जी हम लगाने लगे हैं और ये मतलब समझ फरमाए हजरत के रुखे रोशन सतारा ढूंढता है, रुखे रोशन सतारा ढूंढता है, तुझे तेरा दुलारा ढूंढता है, रुखे रोशन सतारा ढूंढता है, तुझे तेरा दुलारा ढूंढता है, और मेरे बाजू नदी पर छा गए हैं, मेरे बाजू नदी पर छा गए हैं, मेरा दुश्मन किनारा ढूंढता है, मेरे बाजू नदी पर छा गए हैं, मेरा दुश्मन किनारा ढूंढता है, और ये शेर के मेरा ये दिल अजब दुनिया का दिल है, मेरा ये दिल अजब दुनिया का दिल है, मोहब्बत में खसारा ढूंढता है, मेरा ये दिल अजब दुनिया का दिल है, मोहब्बत में खसारा ढूंढता है, और कहाँ हो तुम उजालो तुम कहाँ हो, कहाँ हो तुम उजालो तुम कहाँ हो, तुम्हें किस्मत का मारा ढूंढता है, कहाँ हो तुम उजालो तुम कहाँ हो, तुम्हें किस्मत का मारा ढूंढता है। बहुत शुक्रिया। और ये मतलब के किससे सीखा ये होश उड़ा देना, किससे सीखा ये होश उड़ा देना, आँख ते ही मुस्कुरा देना, किससे सीखा ये होश उड़ा देना, किससे सीखा ये होश उड़ा देना, आँख मिलते ही मुस्कुरा देना, और उसने मतला है कि खुद भी रोना उन्हें रुला देना, खुद भी रोना उन्हें रुला देना, जब वो मिल जाएं सब सुना देना, खुद भी रोना उन्हें रुला देना, जब वो मिल जाएं सब सुना देना। और एक मतला चंदशेर के उसकी मायूब तर्जुमानी से, उसकी मायूब तर्जुमानी से मैं निकाला गया कहानी से, उसकी मायूब तर्जुमानी से, बहुत शुक्रिया, उसकी मायूब तर्जुमानी से मैं निकाला गया कहानी से। और ये शेर के फिर मुझे ज़ौक़ खुशगुमानी दे, फिर मुझे ज़ौक़ खुशगुमानी दे, फिर बचा मुझको बदगुमानी से, फिर बचा मुझको बदगुमानी से, और कब न जाने उठा लिया जाए, कब न जाने उठा लिया जाए आबोदाना सराय फानी से, कब न जाने उठा लिया जाए, कब न जाने उठा लिया जाए आबोदाना सराय फानी से। और ये शेर के चल चल के तुर्बत को रोशनी बख्शें, चल के तुर्बत को, चल के तुर्बत को रोशनी बख्शें, खून रिश्ता है जिंदगानी से, चल के तुर्बत को रोशनी बख्शें, खून रिश्ता है जिंदगानी से। और एक मुकम्मल गज़ल जी, एक मुकम्मल गज़ल समाअत फरमाए जी, मतला समाअत फरमाए हजरात के जी, सुनिए मतला समाअत फरमाए हजरात के। हर नए दिन नया हादसा जिंदगी, हर नए दिन नया हादसा जिंदगी, फिर भी इंसान का मशगला जिंदगी, हर नए दिन नया हादसा जिंदगी, फिर भी इंसान का मशगला जिंदगी। और ये शेर हजरात के, वो हुआ दर बदर मारा मारा फिरा, वो हुआ दर बदर मारा मारा फिरा, तेरे धोखे में जो आ गया जिंदगी,
जिंदगी। और ये शेर के लोग जीने की ख्वाहिश में मरते रहे, लोग जीने की ख्वाहिश में मरते रहे, देख कर तेरी एक एक अदा जिंदगी, देख कर तेरी एक एक अदा जिंदगी, हर नए दिन नया। और शेर हजरात के फिक्र धोके दगा झूठ मकरो फरेब, फिक्र धोके दगा झूठ मकरो फरेब, है जफा ही जफा बेवफा जिंदगी, है जफा ही जफा बेवफा जिंदगी, फिक्र धोके दगा झूठ मकरो फरेब, फिक्र धोके दगा झूठ मकरो फरेब, है जफा ही जफा बेवफा जिंदगी, है जफा ही जफा बेवफा जिंदगी। और ये शेर हजरात के सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, है कड़ी धूप का सिलसिला जिंदगी, है कड़ी धूप का सिलसिला जिंदगी, हर नए दिन नया। और शेर हजरात के कब तलक बोझ ढोए सितम का तेरी, कब तलक बोझ ढोए सितम का तेरी, इतना एहसान कर कर रिहा जिंदगी, इतना एहसान कर कर लिया जिंदगी, हर नए दिन नया हादसा जिंदगी, फिर भी इंसान का मशगला जिंदगी। और ये शेर हजरात के कब तलक बार जीवन उठाते रहे, कब तलक बार जीवन उठाते रहे, तू ही समझा हमें तू बता जिंदगी, तू ही समझा हमें तू बता जिंदगी। और ये मख्ते का शेर हजरात के हम तो अपनी शरर अब बसर कर चले, हम तो अपनी शरर अब बसर कर चले, दे किसी और को तू दगा जिंदगी, दे किसी और को। शुक्रिया, शुक्रिया। ये थे जनाबे खिज़र अहमद खान शरर साहब जो परभनी से तशरीफ़ लाए थे, बहुत खूबसूरत और बड़ी मुरस्सा गज़लों से नवाजा आपने। अब मैं जिस शायर के हुजूर पहुंच रहा हूं वो हैं डॉक्टर इकबाल मिन्ने। ये मराठी और उर्दू दोनों ज़बानों में कहते हैं, और ख़ास तौर पर इनका कारनामा ये है कि उन्होंने मराठी में गज़ल को की मकबूलियत के लिए बड़ा काम किया है, और मराठी का पहला गज़ल सम्मेलन भी उन्होंने मुनाकिद किया था। एक गज़ल उनकी मैं अपने तौर पर फरमाइश भी करना चाहूँगा कि वो आखिर में ज़रूर सुनाएं,
वो तजुर्बा जो अमीर खुसरो ने किया था फारसी और उर्दू का, वो इन्होंने मराठी और उर्दू में किया है कि गज़ल का एक मिसरा मराठी में है और एक उर्दू में है। मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ जनाब डॉक्टर इकबाल मिन्नी से। मराठी में गज़लें कहने का हुक्म हुआ है तो मराठी के कुछ गज़लें आपके सामने रखूँ आखिरी में। गज़ल का मतलब देखिए, कि चालणारी बोलणारी माणसे उरली कुठे, चालणारी चालणारी बोलणारी माणसे उरली कुठे, माणसा सम वागणारी माणसे उरली कुठे, चालणारी बोलणारी माणसे उरली कुठे, माणसा सम वागणारी माणसे उरली कुठे। असे देखिए की यायचे यायचे बोलायचे गप्पात रंगून जायचे, यायचे बोलायचे गप्पात रंगून जायचे, एकमेका भेटणारी माणसे उरली, एकमेका भेटणारी माणसे उरली कुठे। असे देखिए की देखिए कि देहातों में एक सुबह में जैसे अजान होती है वैसे काकड़ आरती मंदिर में होती है, काकड़ आरती कहते हैं उसको। तो मैंने कहा कि ऐकुनी ऐकुनी अजान सारे लोक जागे व्हायचे, ऐकुनी ऐकुनी अजान सारे लोक जागे व्हायचे, आरती ही ऐकणारी माणसे उरली कुठे, आरती ही ऐकणारी माणसे उरली कुठे। आणि मानवाचे दुःख मानवाचे दुःख आपले दुःख ते मानायचे, मानवाचे दुःख आपले दुःख ते मानायचे, दुःख परके जाणणारी माणसे उरली कुठे, दुःख परके जाणणारी माणसे उरली कुठे। आणि फक्त ते करता इशारा देश सोबत यायचा, फक्त ते करता इशारा देश सोबत यायचा, मान असला ठेवणारी माणसे उरली, मान असला ठेवणारी माणसे उरली कुठे। आणि वाचुनी चारित्र्य ज्यांचे एक स्फूर्ती यायची, वाचुनी वाचुनी चारित्र्य ज्यांचे एक स्फूर्ती यायची, पुस्तकांना भावणारी माणसे उरली, पुस्तकांना भावणारी माणसे, पुस्तकांना भावणारी माणसे उरली कुठे। आणि कृत्य त्यांचे पाहुनी आता पशुही लाजती, कृत्य त्यांचे पाहुनी आता पशुही लाजती, आरशाला लाजणारी माणसे उरली, आरशाला आरशाला लाजणारी आरशाला लाजणारी माणसे उरली कुठे, आरशाला लाजणारी माणसे उरली कुठे। आणि फक्त वचने शब्द देती, फक्त वचने शब्द देती, ना कृती कुठली असे, फक्त वचने शब्द देती ना कृती कुठली असे, वायद्याला जागणारी माणसे उरली। और मग ते कशेर देखे की नीती मूल्य आदर्शाना जप आता इकबाल तू, नीती मूल्य आदर्शाना जप आता इकबाल तू, पण तुझ्या सम चालणारी माणसे उरली कुठे, पण तुझ्या सम चालणारी माणसे उरली कुठे। एक गजल का एक मतला देखे की त्या मुखी ही शांततेची बात आहे, त्या मुखी ही शांततेची बात आहे, हात ज्याचा माखला रक्तात आहे, त्या मुखी ही शांततेची बात आहे,
हात ज्याचा माखला रक्तात आहे, हाच ज्याचा माखला रक्तात आहे, शायद के कि हीच आहे वेळ आता बोल काही, हीच आहे, हीच आहे वेळ आता बोल काही, सभ्यते तू का अशी मौनात आहे, सभ्यते तू का अशी मौनात आहे, आणि देह तर पोटा सवे शहरात आला, देह तर सर देह तर पोटा सवे शहरात आला, मात्र आत्मा राहिला गावात आहे, मात्र आत्मा राहिला गावात आहे, आणि आत्महत्येचेच येईल पीक बहुदा, शेख दिगे कि आत्महत्येचेच येईल पीक बहुदा, भूक फिरुनी पेरली शेतात आहे, भूक फिरुनी पेरली शेतात आहे, आणि जप अहिंसेचा मुखी आहे दिवसभर, जप अहिंसेचा मुखी आहे दिवसभर, आज हिंसेचीच बहुदा रात आहे, आज हिंसेचीच बहुदा रात आहे, आणि प्रेम आपुले आणले मी चल बघूया, प्रेम आपुले आणले मी चल बघूया, केवढी शक्ती तुझ्या द्वेषात आहे, केवढी शक्ती तुझ्या द्वेषात आहे। और एक दोष है देखिएगा, उसके पहले एक मतलब देखिए देशद्रोही का तयाना वाटतो सगळ्या, देशद्रोही का तयाना वाटतो सगळे आम्ही, घाव हे मर्मावरी रे सोसतो सगळे आम्ही, घाव हे मर्मावरी रे सोसतो सगळे आम्ही, आणि देशभक्तीची शिकवली या जगा व्याख्या खरी, आम्ही शिकवली कि देशभक्तीची शिकवली या जगा व्याख्या खरी, पण तरी गद्दार आता भासतो सगळे आम्ही, देशभक्तीची शिकवली या जगा व्याख्या खरी, पण तरी गद्दार आता भासतो सगळे आम्ही, आणि भावना केव्हाच ना कळल्या कुणाला आमच्या, भावना केव्हाच ना कळल्या कुणाला आमच्या, दडपणामध्येच मोठ्या राहतो सगळे आम्ही, दडपणामध्येच सारे राहतो सगळे आम्ही, आणि जा म्हणा आम्हास लांडा अनकरा चेष्टा सदा, अनकरा चेष्टा सदा, जा म्हणा आम्हास लांडा अनकरा चेष्टा सदा, पण तुम्हाला शुद्ध बंधू मानतो सारे, जा म्हणा आम्हास लांडा अनकरा चेष्टा सदा, पण तुम्हाला शुद्ध बंधू मानतो सगळे आम्ही, आणि देश तुमचा अन नसे काहीच आमचे मानता, देश तुमचा अन्न से काहीच आमचे मानता, घेऊनी दुय्यमपणाला वागतो सगळे, घेऊनी दुय्यमपणाला वागतो सगळे आम्ही, आणि ईश्वराने श्रेष्ठ उम्मत बनवली आम्हा इथे, ईश्वराने श्रेष्ठ उम्मत बनवली आम्हा इथे, त्यामुळे हे भोग सारे भोगतो सगळे, त्यामुळे हे भोग सारे भोगतो सगळे आम्ही, आणि धर्म ही संदेश शांती ताच देतो आमचा, धर्म ही संदेश शांती ताच देतो आमचा, मात्र का आतंकवादी भासतो सगळे, मात्र का आतंकवादी भासतो सगळे आम्ही, आणि फक्त रे आहेस वाली आमचा अल्लाह तू,
भक्त रे आहेस वाली आमचा अल्लाह तू अन तुझा वरती भरोसा टाकतो सगळे आम्ही अन तुझा वरती भरोसा टाकतो सगळे आम्ही। और मक्का देखे कि का असा होतो सो दुखी सांगना इकबाल तू का असा होतो सो दुखी का असा होतो सो दुखी सांगना इकबाल तू दुख सारे दाबुनी बग हासतो सगळे आम्ही दुख सारे दाबुनी बग हासतो सगळे आम्ही। और ये देखिए एक जैसा आपने कहा था कि जैसा एक कोशिश की है जी कि या इलाही तू हमें आदमी से इंसान कर तो जो चाहूंगा कि या इलाही तू हमें आदमी से इंसान कर आणि मग भक्ति मधे रात्रन दिवस बेभान कर या इलाही तू हमें आदमी से इंसान कर आणि मग भक्ति मधे रात्रन दिवस बेभान कर मैं तुझे कब मांगता हूँ चमक सूरज चांद मैं तुझे कब मांगता हूँ चमक सूरज चांद की देवुनी अम्मा सुबुद्धि खरो कर धनवान कर देवुनी अम्मा सुबुद्धि खरो कर धनवान कर। और ये सूरह फातिहा के तर्जुमा देखे कि राह हमको वो चला कामयाबी हासिल जहां कि राह हमको वो चला कामयाबी हासिल जहां त्या हिशेबाचा दिनी तू आमुचा सन्मान कर राह हमको वो चला कामयाबी हासिल जहां क्या हिशेबाचा दिनी तू आमुचा सन्मान कर। और मांगता कैसे भला फूल मैं कांटों के बिना मांगता कैसे भला फूल मैं कांटों के बिना दुख दे पण साहण्या मजा तुनी बलवान कर दुख दे पण साहण्या मजा आतुनी बलवान कर अन दे हमें ऐसी समझ के सभी का एहसास हो दे हमें ऐसी समझ के सभी का एहसास हो शब्द सृष्टि अनस्वरान से अमाला भगवान कर शब्द सृष्टि अनस्वरान से अमाला भगवान कर। और मक्ता देखिए कि बख्श दे सारे गुना और जन्नतुल फिरदौस दे बख्श दे सारे गुना और जन्नतुल फिरदौस दे या तुझा इकबाल ला सांगला अन गुणवान कर या तुझा इकबाल ला सांगला अन गुणवान कर या इलाही तू हमें आदमी से इंसान कर आणि मग भक्त दे रात्रन दिवस बेभान। बहुत बहुत शुक्रिया।